फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ज्योत्सना पांडे। आज मैं आपको न्यू ईयर पे केक बनाना बताऊंगी कि हम घर पे आसानी से केक कैसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही सस्ता और बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम बर्तन तैयार करते हैं। ये हमने केक टिन ले लिया हुआ है, और जस्ता का रहता है तो ज्यादा बेटर होता है, तो इसलिए केक बनाने के लिए आपको जस्ते का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये मैंने केक टिन ले लिया है, और ये है हमारा बटर पेपर। तो सबसे पहले हम केक टिन में ऑयल लगा लेते हैं। तो हम बर्तन में ऑयल लगा लिए हैं, और ये जो बटर पेपर है इसे हम इसमें सेट कर देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, ये हमारा बर्तन तैयार हो गया है। और सबसे पहले हमें केक बनाने से पहले हमें अपने बर्तन को तैयार करना पड़ता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम बताते हैं इसके आगे का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम पानी को गर्म करते हैं, थोड़ा सा हल्का गुनगुना करेंगे, और एक कप हम लेंगे गर्म पानी। ये हम एक कप गर्म पानी लेंगे, और ये एक चम्मच हम इसमें कॉफी पाउडर डाल देंगे, या आप 10 रुपए की जो पाउच आती है आप उसे डाल दीजिएगा इसमें। और इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के हमें रखना है, इसे कुछ करना नहीं है, बस इसे भिगो के रख देना है मिक्स करके। अब हम इसे एक साइड में रख देते हैं। तो ये हमने आधा कप, जिस कप से हमने पानी लिया था उसी कप से हम इसमें डाल देंगे ऑयल, और ये हमने हाफ कप ऑयल डाला है, और 1 कप जिस कप से हमने ऑयल डाला था उसी कप से मेजरमेंट करके ये हम 1 कप तक शुगर, चीनी, पिसी हुई चीनी डालेंगे। ये नॉर्मल चीनी है जो हमारा घर पे आता है, वही चीनी है ये, और इसे हम मिक्स करेंगे। आप इसे आराम से न्यू ईयर पे बना सकते हैं और अपनी पार्टी का एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी, अगर हम मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो इसे हम इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद जो वो कॉफी मिला के हम रखे थे 1 कप पानी, उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बढ़िया से मिक्स करें, गुठली न रहे, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे खूब बढ़िया। और इसके ऊपर हम रख देंगे ये छन्नी, और अब हम डालेंगे मैदा। इसमें हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, ये 1 कप हो गया। अभी हमें आधा कप इसमें और डालना है, ये 1.5 कप मैदा है, और इसमें हमें चाहिए 2 चम्मच कोको पाउडर, वन टेबल स्पून हमें इसमें बेकिंग पाउडर चाहिए, इस चम्मच का चौथाई हिस्सा हमें इसमें 1/4 स्पून इसमें हमें बेकिंग सोडा चाहिए। अब हम इसे इसमें छान लेंगे, ध्यान से छानिएगा गिरे ना। और इस तरीके से छन्नी से छानने में हमारी सारी जो इसमें रहती है सब बराबर मिक्स हो जाती है, और जो गुठलियां रहती हैं वो भी इसमें बच जाती हैं। ये देखिए, ये गुठलियां ये बच जाती हैं, इसे हम हटा देंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें लास्ट में हमें 1 चम्मच विनेगर डालना है, और इसे हमें फिर से मिक्स करना है। और ये हमारा एकदम परफेक्ट केक का बनके तैयार हो गया है बेटा, तैयार हो गया है। और अब हम इसे केक के टिन में ट्रांसफर करते हैं। एकदम केक का बर्तन तैयार हो गया है, और इसे हम 2-3 बार ऐसे डैब डैब कर देंगे ताकि जो जाली है इसमें वो अच्छे से हट जाए, और केक, ये केक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसे बर्तन तैयार करते हैं, इसमें हमें पकाना है। तो ये हमने भगोना रख दिया है, इसी में हम केक बनाते हैं, और इसमें हम डाल देंगे, ये हमारा हमेशा हम
यही नमक यूज करते हैं, इसलिए हम डब्बे में इसे एक तरफ से रख दिए हैं और इसे हम बराबर कर लेंगे और फिर इस पे हम रख देंगे जाली और इसे हम 2 मिनट के लिए गर्म रख देंगे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और ये हमारा बर्तन तैयार हो जाए। और अब हम इसमें रख देते हैं ये केक। अगर आपको नमक नहीं भी डालना है तो भी आप इसे जाली रख के पका सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए नमक डालना बहुत जरूरी है। और अगर आप घर पे केक बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा नमक केक के लिए निकाल के रख दीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और उसी नमक से हम बार बार अपना केक बनाते रहें। और अब हम इसे 20 मिनट बाद इसे ओपन करेंगे, देखेंगे कि हमारा केक पका है कि नहीं। और आंच गैस का फ्लेम एकदम मीडियम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये हमने ये है देखिए 0 और इसमें हम ले लिए हैं 100 ग्राम चॉकलेट। आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं और व्हाइट वाला भी ले सकते हैं। 100 ग्राम चॉकलेट ले लेंगे हम। तो ये देखिए, ये 100 ग्राम चॉकलेट हो गया है और इसे हम छोटे छोटे बारीक टुकड़े में हम काटेंगे। हम इसमें 50 ग्राम और डाल दिए, मुझे कम लग रहा था, तो 150 ग्राम चॉकलेट ले लेंगे। अगर आपको 3 लेयर में बनाना है तो आपको चॉकलेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसे 2 लेयर में काटूंगी केक को। सो ml इसमें व्हिपिंग क्रीम डालना पड़ेगा। ये मेरा 30 से 30 ml का है तो हम इसे उसी हिसाब से मेजरमेंट से डालेंगे। और इसे हम पकड़ के इसे चलाएंगे। कोशिश करिएगा कि इसमें पानी ना आए। हम चॉको चिप्स डाल देंगे। थोड़ा सा व्हाइट से कलर चेंज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज मेरे पास व्हाइट चॉकलेट है, ब्लैक डार्क चॉकलेट नहीं है, खत्म हो गया है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में एक वीडियो तो मुझे बनाना ही बनाना है आपको केक सिखाने के लिए। इसलिए तो ये देखिए, ये धीरे धीरे हमारा चॉकलेट जो है ऐसे ही पिघल जाता है। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, ऐसे आप अपनी पार्टी भी एंजॉय कर सकते हैं, आप पैसा भी बचा सकते हैं और जब मन हो तो केक खा भी सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो चॉकलेट है वो अच्छे से पिघल गया है और केक है, केक भी बहुत अच्छे से पक गया है। और इसमें हम पहले चाकू डाल के देखते हैं कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। और ये सच में ये बहुत ही फ्लफी और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, चाकू एकदम साफ है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और फिर इसे हम निकाल के, तो ये देखिए, ये हमारा केक बन के तैयार हुआ है। इसे हम कॉटन के कपड़े से ढक देंगे और थोड़ा सा आराम से, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और ये जो गार्निश है, इस गार्निश को हम आधे घंटे तक फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से हमारा डिजाइन बनाने के लिए तैयार हो जाए। केक तैयार हो गया है और हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, कितने आराम से, कितने बढ़िया से ये हमारा केक निकल गया है।
और आप खुद देखिए कितना जाली और कितना स्पंजी बना है। अब हम इसे काटते हैं। तो ये देखिए, ये हमने अब केक को हम ज्यादा लेयर का नहीं काटेंगे, ये हम दो ही लेयर का काटेंगे और ये बस हम आपको दिखाने के लिए बना रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा होता है, इसे आप आराम से बना के खा सकते हैं। और ये जो चॉकलेट है हमने फ्रिज में रखा था वो ऐसा हो गया है। हम इसको बहुत डेकोरेशन नहीं करेंगे, ये हम बस आपको दिखाने के लिए बनाए हैं और कि आप आराम से बना सकते हैं। डेकोरेशन तो हमारे ऊपर है, हम कर सकते हैं। जिसके पास प्रीमिक्स नहीं है वो इस तरीके से भी केक बना सकता है। और मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो लोग जिसे डेकोरेशन कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग वीडियो को देखें और इस तरह से केक बनाना सीखे धीरे धीरे। ये हम दूसरा लेयर रख दिए हैं। हम चॉकलेट बहुत नहीं लगाएंगे क्योंकि घर पे ही खाना है और आपके ऊपर है आप इसमें कितना चॉकलेट लगाना चाहते हैं। हम बस हल्का सा लगाएंगे उस पे, बस एक हल्का सा कोटिंग करेंगे बस। तो ये देखिए हमारा नॉर्मली सा केक बन गया है। तो ये हमने ऐसे ही नॉर्मली सा केक आपको दिखाने के लिए बना दिया है और इस पे हम थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स डाल देंगे। आप इस तरीके से भी केक बना के एंजॉय कर सकते हो, बच्चों को खिला सकते हैं। इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और आपका 100-150 के बीच में आपका 1.5 किलो तक, 2 किलो, 1 किलो तक आपका केक बन जाएगा। और इस तरीके से आप चाहे तो अच्छे से डेकोरेशन करके अपने बर्थडे पार्टी का एंजॉय कर सकते हो, एनिवर्सरी का एंजॉय कर सकते हो और अपने हाथ की चीज तो कुछ अलग ही होती है। चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसे जरूर बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मैं अगले हफ्ते फिर एक नए केक की रेसिपी लेके आऊंगी, उसके बीच में मैं कुछ डालूंगी रेसिपी, लेकिन केक की वीडियो मैं एक हफ्ते बाद लेके आऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय। आइए, आपको भरोसा नहीं होगा तो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि कितना स्पंजी और कितना अच्छा केक है। आपको देखने के बाद पता चलेगा कि ये केक कितना टेस्टी और कितना अच्छा है। आप इसकी आई से कितना भी लेयर करके काट सकते हो। ये देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, पहले आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये केक कैसा लग रहा है फ्रेंड्स। और मेरा केक सिखाने का आइडिया अच्छा था कि नहीं, ये देखिए।
और इसे मैं आपको दिखाते भी हूं। आप ये देखें कितना स्पंजी है ये, और आप इस तरीके से केक बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे, बाय बाय। और कौन कौन इस तरह से केक बना के मुझे बताएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग केक सीखिए, सब लोग वीडियो बनाइए। ये मैं सिर्फ बिगनर के लिए बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं हर हफ्ते कुछ न कुछ मैं बताती रहूंगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर ऑन करिएगा फ्रेंड्स। तो राधे राधे, बाय बाय।